Hi guys, welcome to my channel. Today we'll see how to read a chest x-ray. Okay, so let's start. सबसे पहले हम तो chest x-ray में ये देखते हैं कि patient का history क्या है, patient को क्यों chest x-ray करने के लिए बोला है. उसके बाद हम chest x-ray को read करने के लिए start करते हैं. तो सबसे पहले हम chest x-ray में देखते हैं कि उसका airways कैसा है, क्या इस airways में कहीं पे blockage वगैरह है, कि patient को vomiting वगैरह क्यों होता है. इसके लिए मैंने ये एयरवेज देखते हैं. और उसके बाद हम देखते हैं कि लंग्स कैसे है, लंग्स बराबर है या नहीं, लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है ना, या तो फिर लंग्स में बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं. मेन तो लंग्स है क्योंकि लंग्स को देखना पड़ता है. ये पूरा हमारा लंग्स है और ये देखिए यहाँ पे कॉनिकल एंगल्स रहते हैं जो इतना, ये हमारा राइट एक लंग्स हो गया ये पूरा, और ये पूरा है हमारा लेफ्ट लंग. ओके, सो ये हमारा लेफ्ट लंग है. और इसमें मेन हम ये दिखते हैं कि यहाँ पे कुछ ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग वगैरह, एक्सपोजर कैसा गिरा है, किधर ज़्यादा वाइट है, किधर ज़्यादा ब्लैक है, ये सब ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग है जो ज़्यादा करके कॉमन पेशेंट में भी रहता है. पर अगर ये बहुत ही ज़्यादा हो गया तो पेशेंट को बहुत सारा सिम्टम रहता है, वीकनेस वगैरह बहुत बहुत. तो फिर हम आगे के वीडियो में बताएंगे आपको. तो फिर हमारा जो लंग्स रहता है, राइट वाला लंग रहता है, वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. तो सबसे पहले रहता है, आपको दिखाता हूँ, ये है राइट अपर लोम. ओके, ये है राइट लोअर लोम, सॉरी राइट मिडल लोम, एंड दिस वन इज राइट लोअर लोम. ओके, एंड सी, एंड दिस वन इज लेफ्ट लंग विच इज डिवाइडेड इन टू द टू पार्ट्स. सो दिस वन इज राइट अपर लोम, सॉरी लेफ्ट अपर लोम, दिस वन इज राइट लोअर लोम, एल एल एल. ओके, नाउ आफ्टर सीइंग द लंग्स, नाउ वी विल सी how the heart is looking, how is the heart size, how is the aorta, and how is the pulmonary artery, and many things we see in this heart. Okay, so this one is our heart. I will just draw a line over that, you will get an idea how is the heart looking in the chest x-ray. So let's see, this one is our heart, this whole white shadow is our heart. Okay, so here is aorta and many things are there. Okay, and now we see the chest x-ray, how is the bones in the chest x-ray. See, these are the our ribs and this is our clavicle, this is also called as a collarbone. So how is there any fracture over in ribs, if the patient is a trauma patient, then we will exactly see carefully how the ribs are there. We take many views like chest x-ray, AP view, chest x-ray, PA, chest x-ray, lateral, chest x-ray, oblique, and many views are there, many different types of views are there depending upon a condition, in which condition the chest x-ray has been taken. Okay, now we will see the stomach. So here is our stomach, this much part. Okay, I will just show you. तो ये हमारा ऐसा स्टमक है यहाँ पे, मैं अच्छे से कर नहीं हूँ. ओके, तो फिर ये हमारा यहाँ पे, ये बहुत ही बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं होता. तो फिर यहाँ पे गैस्ट्रिक बबल्स रहते हैं, जो यहाँ पे हमारा HCl बोलते हैं, HCl बहुत सारे जूसेस रहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेट्रा बहुत सारे रहता है. तो फिर हम उसमें ये देखते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हमको डिटेल में बता देंगे कि और क्या क्या देखते हैं. ओके, तो फिर वो पार्ट टू में आ जाएगा. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, एंड सब्सक्राइब फॉर माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके.